पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद भारतीय इतिहास के किसी एम्पोरियम से कम नहीं है। बंगाल के नवाबों की राजधानी रह चुका ये शहर एक जमाने में पेरिस, लंदन और वियना जैसी मशहूर यूरोपीय शहरों की बराबरी का हुआ करता था। इस शहर में आज भी ऐसी कई जगहें हैं जो इसके शाही इतिहास को जीवित रखते हैं, जिनमें से प्रमुख है हजारद्वारी महल, जो इंडो यूरोपियन वास्तुकला शैली के बेहतरीन उदाहरणों में से एक गिना जाता है। भगीरथी नदी के किनारे शहर के सिराजोद्दौला मार्ग पर मौजूद हजारद्वारी महल का निर्माण सन 1837 में बंगाल के तत्कालीन नवाब हुमायूं जाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। ये 3 मंजिला इमारत आयतकार है और इसमें 20 गैलरी हैं, जिनमें करीब 4,800 ऐतिहासिक वस्तुएं मौजूद हैं और इनमें से सिर्फ आधे आम जनता द्वारा देखे जा सकते हैं। इनमें हथियार, यूरोपीय कलाकारों द्वारा बनाए गए ऑयल पेंटिंग और साथ ही साथ 18वीं और 19वीं शताब्दी के अनेक प्रकार की कलाकृतियां देखे जा सकते हैं। बड़ा कोठी के नाम से प्रख्यात इस महल से जुड़े कई वास्तुकला संबंधी और ऐतिहासिक पहलू हैं। आइए आपको इनमें से कुछ के सफर पर ले चलते हैं। अठारहवीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद सत्ता और व्यवसाय के मुख्य गढ़ के तौर पर उभरा था। ये वो दौर था जब छठे मुगल बादशाह औरंगजेब के बंगाल दीवान मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया और ढाका से एक नई जगह पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, जिसको उन्होंने अपने नाम पर मुर्शिदाबाद रखा। मगर हालात तब बदले जब सन 1757 के प्लासी के जंग में एक जमाने में सौदागरों के तौर पर आए अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को हराया और उनकी ताकत को महज सिर्फ नाम का रख दिया था। वहीं अब हुकूमत अंग्रेजों के हाथ थी। बंगाल के नवाबों में से एक थे हुमायूं जाह, जिन्होंने सन 1830 के दशक में ब्रिटिश वास्तुकार डंकन मैकलियॉर्ड को अपने लिए एक महल बनाने का आदेश दिया। फिर मुर्शिदाबाद के ऐतिहासिक क्षेत्र निजामत के लिए परिसर, जहां पर निजामत इमाम बाड़ा और मदीना मस्जिद जैसी इमारतें मौजूद हैं, वहां हजारद्वारी महल का निर्माण हुआ था। भले ही इस महल का नाम हजारद्वारी हो, जिसका अर्थ हजार द्वारों या दरवाजों वाला है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ 110 असली दरवाजे हैं, वहीं बाकी सिर्फ एक वास्तु भ्रम या आर्किटेक्चरल इल्यूजन है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये विशेषता सुरक्षा को मन में रखते हुए लागू हुई होगी, ताकि नवाब को साजिशों और हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। हजारद्वारी महल के उद्घाटन से जुड़ा एक बड़ा ही अजब किस्सा है। इस महल की आधारशिला को लगाने के लिए कंक्रीट की परत को इतनी गहराई में खोदा गया था कि हुमायूं जाह को नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा था। जब वो नीचे पहुंचे ही थे, तब उनकी प्रजा ने उस बनाए गड्ढे को इस तरह से घेर लिया था कि उनके जमावड़े और शोर के कारण हुमायूं जाह बेहोश हो गए थे, और जब उनको बाहर निकाला तब जाकर इसकी आधारशिला को लगाया गया था। ये विडंबना है कि चूंकि हजारद्वारी महल का निर्माण बंगाल के नवाबों के लिए किया गया था, मगर वो यहां कभी नहीं रहे थे। वजह यह थी कि तत्कालीन नवाब हुमायूं जाह इसके नतीजे से नाखुश थे, क्योंकि इसकी इतालवी या इटालियन वास्तुकला किसी देशज शासक के लिए पर्याप्त नहीं थी, और भीतर के कमरों के आकार
और आने जाने के रास्ते भी काफी छोटे थे। वहीं उनके वंशजों को भी ये महल रास नहीं आया और उनका शाही परिवार इसके आसपास की जागीरों में रहता था। हालांकि इसका इस्तेमाल अंग्रेजी अधिकारियों के लिए गेस्ट हाउस के तौर पर और यहां तक उनके दरबारों और समारोहों के लिए होता था। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हजारद्वारी महल क्षति का शिकार बना, मगर ये सिलसिला सन 1985 में जाकर तब रुका जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस महल की चाबी अपने हाथों में ली और इसको एक संग्रहालय का रूप दिया, जिसके कारण आज ये भारत के सबसे बेहतरीन संग्रहालयों में गिना जाता है। आज हजारद्वारी महल हर सैलानी को बंगाल के समृद्ध इतिहास की अनगिनत परतों से रूबरू कराता है।